जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 11 नवंबर और वार है सोमवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर लहसुन का क्या भाव है। भाव से पहले किसान भाई एक चीज, आवक 10,000 कट्टे के आसपास होगी। थोड़ी सी आवक जो शुक्रवार था उससे थोड़ी सी बढ़ी हुई है। भाव की अगर बात करें तो शुक्रवार से डाउन भी है, मतलब 700-800 या 1,000 के आसपास तो आप मान के चलो डाउन है। छोटे मालों में तो डाउन दिख ही रहा है, बड़े में भी थोड़ा बहुत तो डाउन देखने को मिला है। दूसरी चीज़ ये है कि दादा जय जवान, जय किसान, जय बलराम। दूसरी चीज़ मेरा आपसे ये बोलना है कि माल जो आप लेके आ रहे हो, अभी एक खबर आई थी कहाँ की, दलोदार कहीं की, ऊँटी नई लहसुन बताई अभी, उससे भी मुझे लगता है किसान भाई हड़बड़ा गए हैं। देखिए एक बात आप समझने का प्रयास करो, आप सभी भी किसान हैं, आपको तमाम तरह की चीज़ें पता है कि ऊँटी अभी जो लहसुन है वो अभी, मतलब ये मान के चलो 1-1.5 महीने से पहले से अच्छे से नहीं आ सकती, दिसंबर तक तो मान के चलो। वो एक लोट आया, वो 1-2 कट्टों का लोट था और उसने कहीं नहीं कि किसानों के दिमाग पे एकदम से प्रेशर डाल दिया कि नई लहसुन आ रही है, जबकि आप सबको पता है नई लहसुन अभी आएगी नहीं। पहली चीज़ तो आएगी तो अभी टाइम लगेगा, और जो ज़्यादा मात्रा में अगर नई लहसुन आएगी तो फरवरी से पहले नहीं आ सकती। तो फिर मुझे एक समझ में नहीं आ रहा हड़बड़ी क्यों आ रही है। वो जो एक लोट जो वहाँ बिका है दलोदा में, उसके चक्कर में किसान भाइयों जो आप जिस तरह का माल धीरे धीरे करके बेच रहे हैं वो चाल मत तोड़ना। पहली चीज़ तो मैं बार बार बोल चुका हूँ, न रोकना है न ज़्यादा लाना है, बस थोड़ा थोड़ा मस्ती के साथ माल निकालते जाना है और भाव लेना है। देखिए भाव आगे बढ़ेगा उसमें कोई डर नहीं है कोई। और दूसरी चीज़, कुछ किसान भाई एक गलती ये भी करते हैं, अगर भाव बढ़ेगा तो क्या रोक के रख लें, तो ये भी गलत है। मेरे शब्द बड़े स्पष्ट है, थोड़ा थोड़ा माल मस्ती के साथ चलने दो, हर एक भाव लो, औसत भाव हमको अच्छा मिल जाना चाहिए। जो न्यूज़ आई दलोदा की उससे बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आप खुद अपना दिमाग लगाइए। वास्तविकता ये है कि अभी ऊँटी लहसुन नहीं आएगा। अरे यार ये पापा अभी, और जैसे मान लो किसान भाई उनसे मैं बात करता हूँ इस मुद्दे पे। आज क्या ऊँचे में क्या रहा, 31 मार्केट थोड़ा सा शुक्र से डाउन हल्कर। आवक कितनी होगी, आवक कितनी होगी आज, 10 क्या। चलिए जय जवान, जय किसान, जय बलराम। किसान भाई एक माल जो कि बिका 25,700, माल की कंडीशन बता दो। इसमें मीडियम साइज़ लड्डू सब तरह का माल है और पत्ती कहीं कहीं थोड़ा देखेंगे तो हल्का सा कमज़ोर होना शुरू हो गई है। इसमें भी वाइटनेस ठीक ठाक है, बिका 25,700। और एक और माल इनका ये वाला क्या क्या, 28,600। ये एक और माल है जो कि बिका 28,600। माल अगर देखते हैं तो माल बढ़िया माल है, ठोस माल है, बड़ा साइज़ माल भी अगर इसमें आप देखेंगे तो। और लड्डू पैटर्न में भी आ रहा है, अगर आप देखने वाले हैं तो देखिए लड्डू पैटर्न में कहीं कहीं इक्का दुक्का, ये तो बाद में इक्का दुक्का ही है ना, ज़्यादातर तो मीडियम और बड़ा साइज़ ही है। ये वैरायटी कौन सी दादा, पता नहीं पता नहीं, चलो। और ये वाला एक ही माल है ना, वो वाला आपका क्या क्या था, 25,700। और ये वाला क्या आपका, ये वाला 28,600। अच्छा ये पहले कब लेके आए थे, पहले 3 महीने पहले। अच्छा उससे पहले पीछ में लेके, अभी घर पे कितना माल है ईमानदारी से बता दो। एक मिनट ना यार, ये फोन में क्या हो रहा, अभी 20 कट्टे बचे ना। अच्छा गांव की क्या कंडीशन है, गांव में कितना बचा होगा, गांव में बहुत कम बचा, 20-25 भी ज़्यादा हुआ। चलो जय जवान, जय किसान, जय बलराम। चलिए और देखते हैं और आगे क्या जा रहा है। क्या बिका, 29,000। किसान भाई एक माल जो कि बिका 29,000, इसमें देखो आप बम साइज माल भी दिखेगा आपको और कहीं कहीं आपको मीडियम साइज भी, ये सब तरह का माल है दादा इसमें, मीडियम सब तरह का है ना, और वाइटनेस बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर देखा जाए तो माल ठोस भी है दादा। ये क्या भाव बिका, ये पहले कब लाए थे, महीने भर पहले। तब क्या गया था, 24। चलो जय जवान, जय किसान, जय बलराम। आपका बिक गया, क्या बिका दादा, 27,400। बढ़िया मिल रहा भाव, अच्छा मिल। तो थोड़ा थोड़ा ही बेचेंगे, एक साथ बेचेंगे, थोड़ा थोड़ा मस्ती के साथ, होले होले से दुआ लगती है यार। चलो आगे बढ़ेंगे दादा। ये किसका माल है, अपने ही माल है भैया, है अपने ही माल, बोलो। डिम डबा के डम डम। क्या भाव, ये क्या भाव गया, 25,000 दादा, सही बताओ यार। अरे सही, पर्ची दिखाओ यार दादा, 25,000 गया। और ये इसमें देखा जाए तो लड्डू
पेटन छर्री सब मिक्स है क्या? हाँ। मीडियम लड्डू पेटन छर्री बहुत बढ़िया। तो 12,000 वाला ही अच्छा ये वाला माल है भैया। माल देखो ये वाला है जो कि बिका 25,000 रुपए और आप देख सकते हो आज की तारीख भैया 11 तारीख 11 11। हाँ दादा बढ़िया भाव मिल रहा है इनका। आओ ना इधर आओ एक मिनट इधर आओ फोटो। अभी पहले कब लाए थे ये वाला? अभी घर पे कितना माल है? अब नहीं है। नहीं है, नहीं है। एक बार बोलो डिम डबा के डम डम। अपनी लुगाई को प्यार करो सभी भैया। चलो दूसरी को नहीं करना है। ये क्या भाव किया दादा? 27,400। बढ़िया मिल रहा है भाव? बढ़िया मिल रहा है। तो पार्टी वार्टी का क्या फिर? पार्टी देंगे? हाँ तो देनी पड़ेगी। अबे गांव का नाम बताओ दादा। गजलास। चलिए ये वाला क्या 27,400 बहुत बढ़िया। ये बिका एक 27,400। इसमें आप देखो व्हाइटनेस बहुत बढ़िया है। लड्डू पैटर्न में थोड़ी साफ भी किया हुआ उन्होंने। ठोस माल है। व्हाइटनेस पाटीदार की लसन है बहुत बढ़िया। अर्जुन पाटीदार जी का होले होले से दुआ लगती है। अरे दादा क्या बात है। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। ये हमारी किस्मत खुश किस्मत थी कि आप जैसे लोग हमसे प्यार करते हैं। किसान भाई अभी आज बिक गया इनका? अभी बिकेगा बिकेगा। आप कहाँ से आए हो? क्या नाम क्या आपका? नरेश जवान। जय किसान जय बलराम। चलिए थोड़ा आगे चलेंगे। तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक। आज तो घर पे वीडियो जाएगा ये बालक तंबाकू खा रहा है आपका। चलिए ये वाला क्या क्या दादा? ये किसका माल है? इधर माल वाले कहाँ? 25,000 पहले बता तंबाकू का। जय जवान जय किसान जय किसान। अच्छा दादा एक बात बता। 50,000 पार। अब की बार 50,000 पार। सही बोल रहे हैं दादा। पर दादा सही साठ बात बोल रहे हैं पर हो सकता है लड़ाई लड़ा के 50,000 पार। अच्छा अभी बिका अभी किन बिका क्या बिका आज? 25 भी बिका है 24 बिका मेरा 7,000 का मेरा 22,000 भी बिकी। बहुत बढ़िया। अभी घर पे कितना माल है? कुछ भी नहीं है साफ सुथरा। देखो सुनो देखो ये सबसे अच्छी बात इनके मालूम क्या लगी मेरे को आप बताओ आपने क्या नोटिस? इनका एक्चुअली माल बिक चुका है। दादा नाम क्या आपका? महेंद्र पाटीदार भावाई। दादा का माल बिक गया है लेकिन फिर भी बाकी किसानों के लिए उम्मीद देखो क्या बोल रहे हैं 50,000 जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि किसान भाई का माल सब कुछ बिक गया फिर भी किसी दूसरे किसान भाई के लिए सोच रहे हैं। तो यही चीज चाहिए अपने को आपस में किसानों में। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। ये वाला क्या कहता दादा? 25,000। तो फिर पार्टी का क्या कर रहे हो? वही तो किसान भाई ये वाला बिका 25,000। इसमें आप देखो छोटा साइज भी है और ठोस माल भी है। और किसका बिक गया दादा? तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलिए थोड़ा आगे चलेंगे इधर भी देखते हैं। अरे ये किसका माल है? ये सही बताया यार दादा ये वाली सही बता पर्ची। और वो वाला क्या क्या 11,500 बता रहे? और ये वाला 500। और ये वाला क्या क्या दादा? ये हो गया 25,000। 25,000 60 बहुत बढ़िया छोटा साइज शर्री पैटर्न में। वो वाला क्या गया? ये 25,000 गया है। ठोस माल है कहने के अगर देखा जाए तो। लेकिन हाँ लड्डू पैटर्न में है और मीडियम और छर्री है। एक और माल जो कि ये क्या बिका दादा? 22,300। ये वाला बिका छर्री पैटर्न में माल लड्डू में है और 22,300 दादा का माल है। दादा 22,300 अपना क्या था दादा? वो क्या क्या था? 25,000 दादा बिक गया उधर। क्या बिका? बिक गया। क्या भाव? क्या क्या थी? कली काजू। दादा आपका क्या बिका? 28,800। ये वाला 28,800। एक माल बड़ा साइज माल है किसान भाई। उसमें दादा ये बाद में मिक्स हुआ कि ये वाला भी है? मिक्स हुआ मतलब ये बड़ा वाला माल है। इस टाइप का माल है ठोस माल है जो कि क्या बिका 28,800। ये पहले कब लाए थे आप? अभी घर पे कितना माल है? 40। अच्छा गाँव की क्या कंडीशन होगी? बड़े मतलब कितना? 20%, 30%, 25%? इतना नहीं है। चले जय जवान जय किसान जय बलराम। दादा ये क्या बिका? 28,800। थोड़ा लाइट में आना पड़ेगा मेरे को। 28,800 बहुत बढ़िया माल है। माल व्हाइटनेस देखो आप जमा जम एक नंबर। व्हाइटनेस बहुत बढ़िया लग रही मेरे को। बड़ा साइज भी इसमें लड्डू भी है मीडियम भी है सब तरह का माल है। दादा ये पहले कब लाए थे आप? 2 महीना पहले लाया था। तब क्या क्या था? नहीं यही वाला लाए थे क्या? छर्री ये नहीं लेके आए ये पहली बार। ये क्या क्या आज? 28,880 मतलब 29,000 के आसपास ही माल ले। अभी घर पे कितना माल है ईमानदारी से बताओ? ईमानदारी 20 कट्टी। 20 कट्टी। और गांव की क्या कंडीशन होगी? गांव की ऐसी तो 20 मतलब थोड़ा थोड़ा ही बचा है। तो अब की बार 50,000 पार है। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। अच्छा लगता है वीडियो बोलो लाइक करो लाइक इन करते हो यार शेयर करो सब्सक्राइब करो। हाँ यार चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। आपका बिक गया दादा?
चले और किसका बिक गया दादा, बिक गया इधर, बिक गया बिक गया। एक बार इधर आओ, ऐसा बोलो तेरा 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 शुरू ऐसे करके, तेरा 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 तेरा। चलो बहुत बढ़िया दादा, ये क्या भाव गया, ये वाला किसका, ये भी उनका ही है क्या? ये भैया आपका है, क्या भाव गया? 36,800। भाव अच्छा मिल रहा है, बढ़िया, और मिलना चाहिए, और ज्यादा मिलना चाहिए ना। हाँ बोलो, हाँ हाँ हाँ। चलो ये वाला क्या है, 26,000। किसान भाई ये वाला बिका है 26,800। इसमें छोटा साइज माल है, अगर आप देखेंगे तो लड्डू पैटर्न में भी है, छोटा भी है। और दादा नाराज मत होइए, जय जवान जय किसान बोलिए आप। अभी बिक गया माल तो बिकेगा तब लेंगे। चलो जय जवान जय किसान जय बलराम, बिका माल अभी नहीं बाकी, और किसका बिक गया दादा? चलो जय जवान जय किसान जय बलराम। बताओ क्या ऊटी लहसुन अभी आ जाएगा क्या एकदम से? नहीं आएगा, अभी समय लगेगा। अभी दलोजा में किसी ने डाला है शायद वीडियो में, नहीं लहसुन आ गए ऊटी, उससे मुझे लग रहा है किसान भाइयों में हड़बड़ाहट आ रही है। जैसे आप लहसुन लगाते हैं आप भी, तो मुझे ईमानदारी से बताओ वास्तविकता में लहसुन कब आना शुरू होगी? फरवरी एंड में, या हम फरवरी मान लें, चलो फरवरी में कच्चा माल निकालना चालू कर देंगे किसान भाई। मैं तो बोल रहा हूँ चलो जनवरी मान लूँ मैं, जनवरी आधा माल, तो भी तो अपने पास कितने महीने, अभी नवंबर, दिसंबर और जनवरी आधा, मतलब कम से कम ढाई से तीन महीने। तो फिर घबराहट किस बात की, ढाई से तीन महीने पहले नया माल आएगा क्या अच्छी मात्रा में? जब नहीं आएगा तो अपन घबराए क्यों भैया, एक दो लॉट आ गए उठी के। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे खेल होते हैं, खेल करने के तरीके हैं, मार्केट में माल एकदम से बुलाने के तरीके हैं, इन तरीकों का ध्यान रखो, नुकसान आपका ही होगा, बाकी आपकी मर्जी आपको क्या करना है। मेरा काम आप तक सही और सटीक जानकारी लाना, कि भैया आप खुद अपना दिमाग भी लगाओ, वो एक दो माल डाले उससे किसान क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, और नया आएगा अपना लहसुन का भाव टूट जाएगा। जब ढाई महीने पहले से आ नहीं सकता, तीन महीने पहले से, डर किस बात का भाई, कहीं से टपकेगा तो ही नहीं लहसुन। तो यही मेरा बोलना है, इन चीज़ों का ध्यान रखो, थोड़ा थोड़ा मस्ती के साथ बेचते रहो, और भाव अपन आगे क्या करें, धीरे धीरे और ऊपर बढ़ाने का प्रयास करें, न कि एकदम से ला करके मार्केट को तोड़ने का प्रयास करें। चले जय जवान जय किसान जय बलराम, ठीक है दादा। 23,000 किसान भाई एक और माल है जो कि बिका 23,000, पक्का पर्ची बताओ मेरे को, और इसमें अगर आप देखो छोटा साइज भी है बड़ा साइज भी है, पर्ची बताओ दादा, पर्ची बताओ। चलिए और देखते हैं, ये क्या बिका दादा? 50। ये बिका, देखो इधर आओ, ये भी 23,050 बिका। मैं वही तो बोल रहा हूँ, उसमें तुम्हारा अगर सेंटेड तुमने हटा दिया होता ना, वो सेंटेड जैसे ही दिखा वैसे ही व्यापारी की नज़र बदल गई। सेंटेड वाला माल जो बीच में थोड़ा बहुत आ रहा ना, उसको सफाई कर लेते ना आप, तो मैं बोल रहा हूँ 23 में 25,000-26,000 ज़्यादा। ये माल दिखा ना अपना, तो छोटा, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना। तो ये वाला क्या क्या दादा? 23,050। ये देखो इस तरह का माल है जिसमें छर्री और लड्डू दोनों है, और ये वाला बिका है 23,000, ठोस माल है ये बात तो। दादा वेरायटी कौन सी है? अमरेटा। ये पहले क्या भाव बिका था? पहले नहीं बिका, नहीं मतलब पहली बार ही लेके आए। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम, ठीक है दादा। 25,600। ये भी अगर देखो लड्डू पैटर्न में और मीडियम साइज में माल अगर आप देखेंगे तो इक्का दुक्का कहीं छर्री देखने को मिल रहा है। दादा क्या भाव बिका है? 25,600। ये पहले कब लाए थे आप? पहले लाया था शुरू में, स्टार्टिंग में ही। तो अभी घर पे कितना माल बचा? अब एंड चल रहा है दादा, आपका बिक गया? अभी नहीं बिका। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम, ठीक है दादा। बिक गया माल? क्या भाव बिका? 25,500। कौन सा वाला माल था? अच्छा ये वाला 25,500, ये वाला ना पैक हो चुका है, लेकिन अगर मीडियम साइज और लड्डू दोनों तरह का माल दिख रहा है इसमें। वेरायटी कौन सी है? वेरायटी ऊटी वाला, क्या बात कर रहे हो, ऊटी लग नहीं रहा मेरे को यार। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम। बिका आज क्या बिका? आज बिका 25,000। ये आप पहले गुरुवार को कब लाए थे ये वाला? गुरुवार को लाए थे तो 26,000 बिका। आज क्या बिका? आज 25,200। अच्छा 25,200 बिका, यही वाला माल है वो जो उस दिन लाए थे? ये वाला बिका 25,200 किसान भाइयों, और इसमें छोटा साइज भी बड़ा साइज भी है। अभी घर पे कितना बचा सही बताओ? घर पे थोड़ा सा रखा है। कितना है? 25 एक कट्टे। और गांव में कितना कितना माल? गांव में तो है ही नहीं, है ही नहीं। अब एक बार कर दो डिम डबा के डमडम डिम डबा डम। चलिए जय जवान जय किसान जय जवान जय बल। आपका बिक गया? क्या बिका दादा? 26,800। बड़ा साइज माल है किसान भाई, उसमें भी लड्डू भी है, बड़ा साइज भी है। अभी क्या आज क्या भाव बिका है? 26,800। और ये पहले कब लाए थे आप? पहला तो दो तीन महीने हुआ। अभी घर पे कितना बच्चा थी? दो चार कट्टे। चले जय जवान जय किसान जय बलराम। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं दादा क्या बिका है। 2400 मत बोलो, 24,000 बोलो दादा। 24,000 बिका ये वाला।
और इसमें माल अच्छा बेचता है, माल अच्छा है, पर सुनो मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ, अगर आप मानोगे तो ठीक है। ये जो अगर इस तरह का आने लग जाता ना, व्यापारिक नज़र इसी के ऊपर पड़ती है। ये देखो, ये दिख रहा है, ये सेंटर का बीच बीच में, तो नज़र कहाँ पड़ेगी, डायरेक्ट वहीं पड़ेगी। तो इसको जब भी लेके आ रहे हो, अगर इस तरह का माल है तो उसको आप क्या कर दो, छटा दो। बड़ा सिंपल सा बोल रहा हूँ, जितनी छटनी होगी उतना माल क्या होगा, अच्छा बिकेगा। ये वेराइटी कौन सी है, बाकी माल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये इसके कारण हुआ मामला है गड़बड़। अगर ये चीज़ नहीं होती ना इसमें, तो ये भी मान के चलो कि 26,000 तक तो आराम से चला जाता। ये वाला माल तो सही था ना? हाँ, वो तो बढ़िया है ना, वो क्या बिका, 25,500। ये क्या बिका, 24। तो अंतर तो है, आज थोड़ा डाउन भी लग रहा है वो तो। बाकी ये चीज का जब ध्यान रखना, बस मेरा बोलना, बाकी आपकी मर्जी, मेरा तो आपको समझाने का काम है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। दादा बिक गया आपका, क्या बिका अपना, क्या बिका ये वाला, 25,900। किसान भाई एक और माल है जो कि बिका 25,900। इसमें देखो आप, मीडियम साइज भी है, बड़ा साइज भी है। दादा ये कालापन होना चालू हो गया क्या, सेंटेड भी हो रहा है? ये थोड़ा विशेष इसका ध्यान रखना, क्योंकि यही भाव अगर घटाएगा तो यही चीज़ें घटाती है। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम, ठीक है।